तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसी भी नंबर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे एक्सेल में। जैसे यहाँ पे अगर माइनस 80 है, मुझे इसको प्लस 80 में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारे बोलते हैं कि सिंपल तरीका है कि माइनस को सेलेक्ट, माइनस में इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में माइनस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस आपके सामने आ गया, माइनस से प्लस हो गया, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें जब प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हम एब्सोल्यूट कर सके, मतलब कि हमारा प्लस प्लस में रहे, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव में रहे और जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव में हो जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एबीएस का। हम एबीएस फॉर्मूला सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे तब देखेंगे कि आपका प्लस जो है प्लस ही है और माइनस आपका प्लस हो गया। बेसिकली इसका यूज कब होता है, इसका यूज होता है जब आपके पास कोई डेटा आया है। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी 25,000 क्रेडिट हुई, अगर इससे ज्यादा होती है तो सपोज दैट आपकी सैलरी 25,000 आया और आपको जो है क्रेडिट कार्ड से 6,000 का कैश बैक मिला, तो 6,000 का जो डेटा आएगा वो आपके लिए माइनस में आएगा, क्योंकि आपका प्लस है लेकिन उसका तो माइनस है ना, तो ये माइनस में आया। तो आपकी इनकम कितनी हुई, आप यदि इनकम को जोड़ोगे तो क्या होगा, इसमें तो घट जाएगा ना सर, क्योंकि आपने 6,000 रुपए का खर्चा किया था, आपने जो मान लीजिए कि आपने 6,000 का जो खर्चा किया था वो आपको कैश बैक के तौर पे रिफंड आया, ये आपके लिए तो इनकम ही है ना सर, क्या सर? जी सर। तो ये जो हुआ हमारा तो इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, इसको प्लस करने से पहले इसको एबीएस ना लेंगे और इस पे फिर प्लस करेंगे, तब जाके आपकी इनकम जो है इस महीने की 31,000 मानी जाएगी। तो एबीएस फॉर्मूला इसका यूज हम करते हैं, इसका यूज हम बहुत सारे जगहों पे भी करते हैं। आपको टेक्स फॉर्मूला में रैप फॉर्मूला समझाया था, तो रैप फॉर्मूला में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।